माँ दुर्गा नर्सरी के तरफ से सभी किसान भाइयों और मेरा प्लान लवर दोस्तों को दिल से स्वागत है। आज कुछ लीची का वैरायटी, कुछ चीकू का वैरायटी एंड कुछ अलग अलग फ्रूट प्लांट वैरायटी के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। जिस वैरायटी का प्लांट चाहे आप टेरिस गार्डन में, बड़ा पॉट में, चाहे आप खेत में, बहुत ही आसानी से ग्रो कर पाएंगे। तो पहले जिस वैरायटी के ऊपर जानकारी देंगे, एक लीची का वैरायटी है, ये बहुत ही पॉपुलर वैरायटी। इस वैरायटी का नाम है मुजफ्फरपुर लीचू। इस वैरायटी के ऊपर मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अपलोड है, फॉलो कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर लीचू प्लान देख सकते हैं, मैच्योर प्लान आपको मिल जाएगा। लगभग 70% प्लान में मतलब फ्लावर की बाट आ चुका है। 15-20 दिन के अंदर इसमें फ्रूट का बाट भी आना शुरू हो जाएगा। तो इस वैरायटी का प्लान अगर आपको परचेस करना है तो लगभग 2 से 2.5 फुट का मैच्योर प्लान मिल जाएगा रिजनेबल प्राइस में मुजफ्फरपुर लीचू। सिर्फ ये वैरायटी नहीं है लीची का, ये वैरायटी छोड़ के और भी बहुत सारे वैरायटी का लीची का प्लान हमारे पास अवेलेबल है। जैसे चाइना 3 लीची, सीडलेस लीची, बम्बई लीची, बेदाना लीची का प्लान हमारे पास अवेलेबल है। मैच्योर प्लान मिल जाएगा 70% प्लान में, इस तरह फ्लावर के बाट के साथ आपको मिल जाएगा रिजनेबल प्राइस में। तो इस वैरायटी का प्लान अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन होम डिलीवरी अवेलेबल है। मुजफ्फरपुर लीचू ये बहुत ही अच्छा वैरायटी का लीचू है। इसका जो सीड मिलता है बहुत ही पतला सा होता है, खाने में बहुत ही स्वीटल वैरायटी का लीची है। और जिस भी वेदर में लगाइए, जिस भी मिट्टी में लगाइए, प्लान लगाने के बाद आपको एक साल के अंदर से फ्रूट मिलना शुरू हो जाएगा मुजफ्फरपुर लीचू। इसका जो कलर होता है, फ्रूट का कलर पूरी तरह से रेड होता है, खाने में बहुत ही स्वीटेबल वैरायटी का लीची है। तो इस वैरायटी का प्लान अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 70% प्लान में फ्लावर आ चुका है। जिस प्लान में आया नहीं है, 10-15 दिन के अंदर पूरी तरह से फ्लावर से भर जाएगा। तो इस वैरायटी का प्लान अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैच्योर प्लान आपको मिल जाएगा रिजनेबल प्राइस में मुजफ्फरपुर लीचू। बहुत ही अच्छा वैरायटी है लीची का। तो ये सिर्फ ए वैरायटी नहीं है, ए वैरायटी छोड़ के चाइना 3 लीची, सीडलेस लीची, बेदाना लीची, बम्बई लीची का प्लान हमारा पास मैच्योर आपको मिल जाएगा रिजनेबल प्राइस में, बहुत ही अच्छा कंडीशन में आपको मिल जाएगा। तो लीची का कोई भी वैरायटी का प्लान अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन होम डिलीवरी अवेलेबल है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे लेमन का एक बहुत ही अच्छा वैरायटी के बारे में आप लोग जानकारी देंगे। टेरिस गार्डन में या खेत में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा वैरायटी है एक लेमन का। इस वैरायटी का नाम है कोलकाता हजारी पाती लेमन। इस साल में आपको हर टाइम फ्रूट देने वाला वैरायटी है। देख सकते हैं प्लांट में मैच्योर फ्रूट भी लगा हुआ है और फ्लावर का बाट भी आया है। इस साल में ऐसा कोई टाइम नहीं है जिस टाइम पर आपको फ्रूट प्लांट में नहीं मिलेगा। ये हर टाइम फ्रूट देने वाला लेमन का वैरायटी है। तो इस वैरायटी का प्लान अगर आपको परचेस करना है तो मैच्योर आपको प्लान मिल जाएगा। लगभग 70% प्लान में फ्रूट लगा हुआ है। और जिस प्लान में फ्रूट नहीं है, लगाने के बाद आपको 10-15 दिन, एक महीने के अंदर से फ्रूट मिलना शुरू हो जाएगा। कोलकाता हजारी पाती लेमन। लेमन का सिर्फ ए वैरायटी नहीं है, ए वैरायटी छोड़ के बहुत सारे लेमन का वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे सीडलेस लेमन, कागजी लेमन। कागजी लेमन का दो टाइप का वैरायटी आपको मिल जाएगा। एक आपको लंबा टाइप का वैरायटी मिल जाएगा, राउंड टाइप का भी वैरायटी मिल जाएगा। तो जिस भी वैरायटी का लेमन का प्लान चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं। तो लेमन का हर वैरायटी का प्लान हमारे पास मैच्योर प्लान आपको मिल जाएगा रिजनेबल प्राइस में। देख सकते हैं लगभग 1 फुट से भी कम हाइट वाला प्लान में कितने सारे फ्लावर की बाट आया है। छोटा फ्रूट का बाट भी है, मैच्योर फ्रूट भी है। इसका जो छिलका होता है, ऊपर का छिलका बहुत ही पतला सा होता है और अंदर पूरी तरह से मतलब रस में भरा हुआ है। तो इस वैरायटी का प्लान अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वैरायटी है टेरिस गार्डन में लगाने के लिए। देख सकते हर प्लान में फ्रूट नहीं तो फ्लावर का बाट लगा हुआ है। और जिस प्लान में नहीं है, लगाने के बाद कुछ दिन के अंदर से पूरी तरह से फ्लावर में भर जाएगा। बहुत ही इजी मेंटेनेंस का वैरायटी है लेमन का, कोलकाता हजारी पाती लेमन। देख सकते हर प्लान में फ्रूट भी लगा हुआ है, फ्लावर का बाट भी है, मैच्योर फ्रूट भी है हर प्लान में। जिस प्लान में नहीं है, लगाने के बाद 10-15 दिन, एक महीने के अंदर से पूरी तरह से फ्लावर में भर जाएगा कोलकाता हजारी पाती लेमन। तो इस वैरायटी का प्लान अगर आपको परचेस करना है तो मैच्योर आपको प्लान मिल जाएगा रिजनेबल प्राइस में। और जितने सारे वैरायटी का प्लान हम लोग ऑनलाइन में सेल करते हैं, लगभग 70% प्लान हम लोग खुद तैयार करते हैं, इसलिए आपको रिजनेबल प्राइस में मैच्योर प्लान आपको मिल जाएगा। तो कोलकाता हजारी लेमन का प्लान अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते। देख सकते हैं लगभग 1 फुट से भी कम हाइट वाला प्लान में कितने सारे मतलब फ्रूट लगा हुआ है। टेरिस गार्डन में 12 पॉट में बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला वैरायटी है लेमन का। हार्ड टाइम फ्रूट देने वाला वैरायटी है। तो इस वैरायटी का प्लान अगर आपको परचेस करना है
तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन होम डिलीवरी अवेलेबल है। कोलकाता हजारी पाती लेमन। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे जिस फ्रूट प्लांट वैरायटी के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे, टेरिस गार्डन में या खेत में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा वैरायटी का एक फ्रूट प्लांट है, ये चीकू का एक वैरायटी है। इस वैरायटी का नाम है कालापाती चीकू। ये साल में आपको हार्ड टाइम फ्रूट देने वाला चीकू का वैरायटी है। लगभग हमारा पास इस वैरायटी का जो प्लांट है 2 से 2.5 फुट का मैच्योर ग्राफ्टिंग के हुआ आपको प्लांट मिल जाएगा। लगभग 50% प्लांट में आपको फ्रूट के साथ प्लांट मिल जाएगा रिजनेबल प्राइस में। और जितने सारे वैरायटी का प्लांट हम लोग ऑनलाइन में सेल करते सभी प्लांट मैच्योर रहता है। लगाने के बाद आपको 2 महीना 3 महीना 6 महीना 1 साल के अंदर में सभी वैरायटी में फ्रूट मिलना शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं 1 फुट से भी कम हाइट वाला प्लांट में फ्रूट लगा हुआ है। इस तरह हर प्लांट में लगभग 50% प्लांट में फ्लावर का बार्ड भी है, फ्रूट भी है, मैच्योर फ्रूट भी है। और जिस प्लांट में फ्लावर का बाट आया नहीं है लगाने के बाद आपको 2 से 3 महीना के अंदर से फ्रूट मिलना शुरू हो जाएगा। कालापाती ऑल टाइम चीकू, कोई कोई इसको थाईलैंड चीकू भी बोलते हैं क्योंकि थाईलैंड का बहुत ही अच्छा वैरायटी है ऑल टाइम में। ये वैरायटी छोड़ के चीकू का और भी बहुत सारे वैरायटी का प्लांट हमारा पास अवेलेबल है, जैसे लाच्छा चीकू, बैना चीकू का प्लांट हमारा पास मैच्योर प्लांट मिल जाएगा। 50% प्लांट में फ्रूट लगा हुआ है। इस तरह मैच्योर ग्राफ्टिंग का 2 से 3 ब्रांच के साथ बूसी प्लांट मिल जाएगा रिजनेबल प्राइस में। और प्लांट का कंडीशन देख सकते हैं, मैच्योर ग्राफ्टिंग का प्लांट है, बूसी प्लांट है। तो इस प्लांट का जो प्राइस है बहुत रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा कालापाती चीकू। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन होम डिलीवरी अवेलेबल है। देख सकते हैं मैच्योर फ्रूट भी है, फ्लावर का बार्ड भी है। और जिस प्लांट में फ्लावर का बार्ड नहीं है वो लगाने के बाद कुछ दिन के अंदर से आना शुरू हो जाएगा। बहुत ही इजी मेंटेनेंस का वैरायटी है। चाहे इस वैरायटी का प्लांट आप टेरिस गार्डन में 12 पॉट में ला सकते हैं, चाहे इस वैरायटी का प्लांट आप खेती में लगा सकते हैं। प्लांट लगाने के बाद आपको 2 महीना 3 महीना के अंदर से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। थाईलैंड ऑल टाइम कालापाती चीकू 2 से 2.5 फुट का मैच्योर प्लांट आपको मिल जाएगा रिजनेबल प्राइस में। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन होम डिलीवरी अवेलेबल है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे टेरिस गार्डन में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा वैरायटी का एक फ्रूट प्लांट के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे, ये बाताबी लेमन का एक बहुत ही अच्छा वैरायटी है। इस वैरायटी का नाम है असेंबली बाताबी लेमन। ये थाईलैंड का वैरायटी है, गोल्डन कलर का होता है और मैच्योर एक फ्रूट का वजन लगभग 3 से 3.5 किलो तक होता है। बहुत ही अच्छा वैरायटी का है और इसका जो जो सीड मिलता है बहुत ही कम मिलता है, छोटा सा होता है और अंदर का पार्ट पूरी तरह से रेड होता है। देख सकते हैं प्लांट में फ्लावर भी है और फ्रूट का छोटा बार्ड भी है और छोटा छोटा फ्लावर की बार्ड भी आया है। टेरिस गार्डन में बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला एक बाताबी लेमन का वैरायटी है। ये वैरायटी छोड़ के बाताबी लेमन का और भी वैरायटी का प्लांट हमारा पास अवेलेबल है, जैसे वियतनामी ऑल टाइम रेड बाताबी लेमन, जिसका अंदर का पार्ट बाहर का पार्ट दोनों साइड रेड होता है और वो भी मिल जाएगा। तो बाताबी लेमन का कोई भी वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैच्योर प्लांट आपको मिल जाएगा रिजनेबल प्राइस में। ये जो प्लांट आप देख रही है इसका नाम है असेंबली थाईलैंड बाताबी लेमन। बहुत ही अच्छा वैरायटी का एक बाताबी लेमन है, टेरिस गार्डन में बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला वैरायटी है। चाहे इस वैरायटी का प्लांट आप खेत में लगा सकते हैं, प्लांट लगाने के बाद आपको 2 से 3 महीने के अंदर से फ्रूट मिलना शुरू हो जाएगा। असेंबली बाताबी लेमन देख सकते हैं लगभग एक फीट का प्लांट में कितने सारे फ्लावर की बाट आया है। जिस प्लांट में आया नहीं है कुछ दिन के अंदर से पूरी तरह से फ्लावर में भर जाएगा। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन होम डिलीवरी अवेलेबल है। असेंबली थाईलैंड बाताबी लेमन। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे जैकफ्रूट की एक बहुत ही अच्छा वैरायटी के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे, जो टेरिस गार्डन में या खेत में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा ऑल टाइम वैरायटी का जैकफ्रूट है। तो ये जो वैरायटी का प्लांट आप स्क्रीन में देख रहे हैं इसका नाम है वियतनामी ऑल टाइम रेड जैकफ्रूट। इसका जो फ्रूट होता है ऊपर का पार्ट और अंदर का पार्ट दोनों साइड रेड होता है। खाने में बहुत ही स्वीटेबल वैरायटी का जैकफ्रूट है और ये टेरिस गार्डन में बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला वैरायटी है। तो देख सकते हैं लगभग 2 फीट का प्लांट में फ्रूट लगा हुआ है।
साल में हार्ड टाइम फ्रूट देने वाला ऑल टाइम वैरायटी का जैक फ्रूट है, वियतनामी ऑल टाइम जैक फ्रूट। इसके ऊपर मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अपलोड है, फॉलो कर सकते हैं। तो इस वैरायटी का प्लान अगर आपको परचेस करना है तो लगभग 2 से 2.5 फुट का मैच्योर ग्राफ्टिंग का आपको प्लान मिल जाएगा रिजनेबल प्राइस में। सिर्फ जैक फ्रूट का यही वैरायटी नहीं, ये वैरायटी छोड़ के और भी बहुत सारे वैरायटी का जैक फ्रूट प्लान हमारा पास अवेलेबल है। मैच्योर प्लान मिल जाएगा रिजनेबल प्राइस में, वियतनामी ऑल टाइम रेड जैक फ्रूट, साल में हर टाइम फ्रूट देने वाला एक बहुत ही अच्छा वैरायटी है जैक फ्रूट का। तो इस वैरायटी का प्लान अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैच्योर ग्राफ्टिंग का प्लान आपको मिल जाएगा रिजनेबल प्राइस में, वियतनामी ऑल टाइम रेड जैक फ्रूट। नेक्स्ट 6 नंबर पे जामुन का एक बहुत ही अच्छा वैरायटी के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे, जो टेरेस गार्डन में बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला वैरायटी है। तो ये जो वैरायटी का प्लान अभी स्क्रीन में दिख रही है, इसका नाम है थाईलैंड व्हाइट जामुन। देख सकते हैं लगभग 1 फीट का प्लान में कितने सारे फ्लावर की बाट आया है। जितने सारे प्लांट है लगभग 50% प्लांट में फ्लावर के साथ आपको मिल जाएगा रिजनेबल प्राइस में। तो इस वैरायटी का प्लान अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन होम डिलीवरी अवेलेबल है। इसके अंदर कोई भी सीड मिलता नहीं है, पूरी तरह से सीडलेस है। सीडलेस थाईलैंड व्हाइट जामुन टेरेस गार्डन में या खेत में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा वैरायटी का जामुन का प्लांट है। मैच्योर ग्राफ्टिंग का आपको प्लान मिल जाएगा रिजनेबल प्राइस में, थाईलैंड व्हाइट जामुन। सिर्फ ये वैरायटी नहीं है, जामुन का और भी बहुत सारे वैरायटी का प्लान हमारा पास अवेलेबल है। तो अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 50% प्लान में आपको फ्रूट फ्लावर के साथ मिल जाएगा। जिस प्लान में फ्लावर नहीं है 10-15 दिन के अंदर से पूरी तरह से फ्लावर में भर जाएगा। थाईलैंड व्हाइट जामुन देखने में जितना अच्छा है खाने में उतना ही स्वीट और वैरायटी का जामुन है। हर वेदर में हर मिट्टी में बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला वैरायटी है। टेरेस गार्डन में बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला वैरायटी है। तो इस वैरायटी का प्लान अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैच्योर प्लान मिल जाएगा फ्लावर के साथ रिजनेबल प्राइस में, थाईलैंड व्हाइट जामुन। नेक्स्ट 7 नंबर पे टेरेस गार्डन में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉपुलर एक ऑरेंज की वैरायटी के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। ये जो प्लान अभी स्क्रीन में दिख रही है, ये ऑरेंज का एक बहुत ही अच्छा वैरायटी है। इस वैरायटी का नाम है चाइना बूस ऑरेंज। ये बहुत ही पॉपुलर एक वैरायटी है ऑरेंज का, और ये हर वेदर में बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला वैरायटी है। और इसका जो फ्रूट होता है बहुत ही मीठा सा होता है। जिस भी वेदर में लगाइए, जिस भी मिट्टी में लगाइए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा और खाने में बहुत ही स्वीटेबल वैरायटी का ऑरेंज है। तो इस वैरायटी का प्लान अभी जो हमारे स्टॉक में है तो लगभग 2 फीट का बूसी प्लान आपको मिल जाएगा रिजनेबल प्राइस में। प्लान का ग्राफ्टिंग का पार्ट देख सकते हैं। जितने सारे वैरायटी का प्लान हम लोग सेल करते हैं ऑनलाइन में, सभी प्लान मैच्योर ग्राफ्टिंग का रहता है। प्लान लगाने के बाद आपको ज़्यादा देर तक ओल्ड करने की जरूरत नहीं है। 6 महीना 1 साल के अंदर पूरी सभी वैरायटी में फ्रूट मिलना शुरू हो जाएगा। चाइना बूस ऑरेंज बहुत ही अच्छा वैरायटी का एक ऑरेंज है। ऑरेंज का सिर्फ ए वैरायटी नहीं, ए वैरायटी छोड़ के बहुत सारे वैरायटी का ऑरेंज का प्लान हमारा पास मिल जाएगा। तो अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन होम डिलीवरी अवेलेबल है। देख सकते हैं लगभग 1.5 फुट का प्लान में फ्लावर आना शुरू हो गया है। जिस प्लान में फ्लावर आया नहीं है, लगभग 15-20 दिन के अंदर पूरी तरह से फ्लावर में भर जाएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दे देंगे ऑरेंज के ऊपर। तो इस वैरायटी का प्लान अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन होम डिलीवरी अवेलेबल है। चाइना बूस ऑरेंज बहुत ही अच्छा वैरायटी का एक ऑरेंज का प्लांट है। हर वेदर में बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला वैरायटी है चाइना बूसी ऑरेंज।